ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। अंजलि बिपाशा एंड चित्रा विजिटेड एन एंटरटेनमेंट पार्क दैट हैज फोर राइड्स। ईच राइड लास्ट 1 आवर एंड कैन अकोमोडेट वन विजिटर एट वन पॉइंट। ऑल राइड्स बिगिन एट 9 AM एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय 5 PM एक्सेप्ट फॉर राइड 3 फॉर विच द लास्ट राइड हैज टू बी कंप्लीटेड बाय 1 PM। राइड गेट्स ओपन एवरी 30 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल 10 AM, 10:30 AM एंड सो ऑन। वेन एवर अ राइड गेट ओपन्स and there is no visitor inside, the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride. The ticket prices are rupees 20, 50, 30 and 40 for rides 1 to 4 respectively. Each of the three visitors took at least one ride and did not necessarily take all rides. None of them took the same ride more than once. The movement time from one ride to another is negligible and a visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes a break inside the park unless mentioned explicitly. आगे बढ़ने से पहले हम जो बेसिक जानकारी है उसको एक बार समझ लें। चार राइड्स हैं हमारे पास में। राइड वन, इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइड टू, राइड थ्री और राइड फोर। इनके जो टिकट प्राइसेस हैं वो हमें गिवन है। यहां पर है 20 रुपीज, यहां पर है 50 रुपीज, ये है 30 रुपीज और ये है 40 रुपीज। सिर्फ यही एक ऐसी राइड है जिसकी लास्ट राइड 1 PM तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, बाकी राइड्स दैट इज R1, R2 और R4 5 PM तक उनकी लास्ट राइड हो सकती है। अंजलि, बिपाशा और चित्रा ने हर हालत में एक राइड तो ली है, इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे ए, बी और सी से। किसी ने भी राइड रिपीट नहीं की है और ये जरूरी नहीं है कि किसी ने सारी राइड्स ली हो, सकता है ली हो, सकता है सारी राइड्स ना ली हो। सारी राइड्स बिगिन होती है 9 AM पे और हाफ एन आवर के इंटरवल में जो गेट है वो ओपन होते हैं 10 AM, 10:30 AM। तो बेसिक जानकारी एक बार हमें समझ में आ गई है, अब हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की तरफ मूव करें। फर्स्ट पॉइंट, चित्रा नेवर वेटेड इन द क्यू एंड कंप्लीटेड हर विजिट बाई 11 AM after spending rupees 50 to pay for the ticket or tickets. 50 rupees वो कैसे spend कर सकती है? या तो उन्होंने सिर्फ ride 2 ली हो, that is 10 AM to 11 AM, उसके पहले कोई ride नहीं ली हो, या हो सकता है इन्होंने दो rides ली हो, एक 9 to 10 और एक 10 to 11. वो दो rides कौन सी हो सकती हैं? R1 and R3, इनका order important नहीं है. It can be R1 and R3 or it can be R3 and R1. तो यहां तीन पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में अगर हम चित्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, R1, R3, ओके, R3, R1, शुरुआत में कोई राइड नहीं ली पर इन्होंने लास्ट में कौन सी राइड ली है, R2। नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालते हैं। अंजलि टुक राइड 1 एट 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट। चित्रा का वेट किया है किसको कंप्लीट करने के लिए, राइड 1 को कंप्लीट करने के लिए। That means, चित्रा ने हर हालत में राइड 1 ली है। It was the only ride where Anjali waited. अंजलि ने इसके अलावा और किसी राइड के लिए वेट नहीं किया। तो अब यहां पर एक सिचुएशन क्लियर हो गई है। अगर हम चित्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्होंने दो राइड्स ली हैं। एक राइड ली है 9 AM टू 10 AM और दूसरी राइड इन्होंने ली है 10 AM टू 11. 10 AM टू 11 AM वाली कौन सी राइड है इनकी, राइड 1। यहां पर इन्होंने 20 रुपीस का टिकट बाय किया है और 9 AM टू 10 AM इन्होंने डेफिनेटली कौन सी राइड ली होगी, राइड 3 और यहां पर टिकट प्राइस थी 30 रुपीस। सो चित्रा ने 50 रुपीस स्पेंड किया और इन्होंने अपनी राइड यहां पर कंप्लीट कर दी। इसके बाद कोई भी राइड इन्होंने नहीं ली है। फोकस करते हैं अंजलि। Now, अंजलि ने एक राइड फॉर श्योर कितने बजे ली है, 11 AM से लेके और कहां तक, 12 PM। ये कौन सी राइड इन्होंने ली है, राइड 1 और यहां पर टिकट प्राइस कितनी थी, 20 रुपीज। नाउ ये जरूरी नहीं है कि इनकी फर्स्ट राइड हो सकता है ये सेकेंड राइड हो, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इसके पहले हाफ एन आवर तक इन्होंने इस राइड के लिए वेट किया। इस राइड के लिए वेट करने का मतलब है 10:30 टू 11 इन्होंने वेट किया है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 10:30 टू 11
इन्होंने कोई भी राइड नहीं ली है, यहां पर इस राइड के लिए वेट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिपाशा बिगेन हर फर्स्ट ऑफ थ्री राइड्स एट 11:30 AM। तीन राइड्स ली हैं बिपाशा ने, फर्स्ट राइड ली है इन्होंने 11:30 AM पे, तो इनकी पहली राइड हुई होगी 11:30 से 12:30 के बीच में। ऑल थ्री विजिटर्स इनकर्ड द सेम अमाउंट ऑफ टिकट एक्सपेंस बाय 12:15 PM। नाउ चित्रा तो 12:15 PM तक 50 rupees उन्होंने स्पेंड किए, दैट मीन्स बिपाशा को भी 50 rupees स्पेंड करने होंगे 12:15 तक, और अंजलि को भी। बिपाशा की पहली राइड है, 50 rupees स्पेंड उनको इसी राइड में करने होंगे बिकॉज नेक्स्ट राइड 12:30 के बाद में ही ये ले सकती है, तो यहां पर इन्होंने 50 rupees स्पेंड किए हैं। और 50 rupees किस राइड का टिकट है, प्राइस है राइड टू का, तो हम कहेंगे इन्होंने यहां पर राइड टू ली। अंजलि ने भी 12:15 तक 50 rupees स्पेंड किए, 20 तो उन्होंने यहां स्पेंड किए हैं, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 30, दैट इज R3 राइड भी उनको लेनी होगी, और ये राइड हर हालत में उन्हें 12:15 PM से पहले लेनी। क्या वो ये राइड 9 से 10:30 के बीच में ले सकती है, पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चित्रा ने ये राइड ली है 9 to 10, तो 10 AM पे अगर चित्रा ये राइड लीव करती है तो अंजलि के पास सिर्फ हाफ एन आवर होंगे, और हाफ एन आवर में वो ये राइड कंप्लीट नहीं कर सकती है। इसका मतलब है R3 राइड इन्होंने ली होगी एट 12 PM, सो 12 PM टू 1 PM इन्होंने राइड ली होगी R3, और इसकी टिकट प्राइस कितनी थी 30 rupees, तो वी कैन सी यहां पर इन्होंने टिकट ले लिया, तो 12:15 तक इन्होंने भी 50 rupees स्पेंड किए हैं, इन्होंने भी 50 rupees और इन्होंने भी 50 rupees स्पेंड किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द लास्ट राइड टेकन बाय अंजलि एंड बिपाशा वॉज द सेम, वेयर बिपाशा वेटेड 30 minutes फॉर अंजलि टू कंप्लीट हर राइड। बिफोर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर दैट राइड, बिपाशा टुक अ 1 hour कॉफी ब्रेक आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रीवियस राइड। अंजलि और बिपाशा की लास्ट राइड सेम है। नाउ ये लास्ट राइड R3 तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज R3 की लास्ट राइड 1 PM पे कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, ये 1 PM पे यहां कंप्लीट हो गई, और 1 PM तक ये वाली राइड R3 कंप्लीट नहीं कर सकती। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग R1 एंड R4, क्योंकि ये तो इनकी फर्स्ट राइड है तो लास्ट राइड तो हो नहीं सकती है, अब बची है R1 और R4। इनकी ये तो फर्स्ट राइड थी तो R1 लास्ट राइड नहीं हो सकती है, तो इससे एक बात समझ में आ गई कि जो लास्ट राइड है वो कौन सी होगी, R4 फॉर बिपाशा एज वेल एज फॉर अंजलि। ना अगर हम यहां पर, क्योंकि इन्होंने तो तीन राइड्स ली हैं, R3 ये ले नहीं सकती हैं, तो यहां पर इन्होंने लास्ट राइड जो ली है वो ली है R4, और R4 में इन्होंने टिकट में स्पेंड किए होंगे 40 rupees। टाइमिंग हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो राइड ली थी इसके पहले इन्होंने 30 मिनट तो वेट किया और 1 hour का ब्रेक लिया, तो टोटल हम कहेंगे 1 hour and 30 minutes का इन्होंने ब्रेक लिया, सो इसको हम 1.5 hours यहां पर लिख सकते हैं, ये ब्रेक लिया। नाउ वेट भी किया है, क्या ऐसा हो सकता है कि अंजलि ने R4 राइड यहीं ले ली हो? अगर अंजलि ने R4 राइड यहां ली होगी, क्योंकि अंजलि ने इसके अलावा और कोई ब्रेक नहीं लिया, तो ये राइड इनको 1 PM से 2 PM के बीच में लेनी होगी। तब जो बिपाशा हैं, इन्होंने ये राइड 2 o'clock पे ली होगी। 2 o'clock से 1.5 hours अगर हम पीछे चलते हैं तो बचेगा 12:30। इसका मतलब है 12:30 पे फ्री हुई, 1 hour का ब्रेक लिया इन्होंने, कॉफी ब्रेक, हाफ एन आवर ये क्यू में रही और फिर इन्होंने राइड ले ली, तो इनके पास जो बीच वाली राइड है उसके लिए टाइम नहीं। तो यहां पर फिर क्या होगा कि जो अंजलि है उन्होंने एक राइड और ली होगी R4 से पहले, सो दैट मीन्स 1 PM से 2 PM इन्होंने एक राइड और ली होगी, और वो राइड कौन सी है, R2 के टिकट प्राइस क्या है 50 rupees। फिर इन्होंने एक राइड और ली होगी 2 PM टू 3 PM, ये कौन सी राइड है, R4, और यहां पर टिकट प्राइस कितना है 40 rupees। 3 PM पे R4 राइड इन्होंने ली होगी 3 to 4, इसके पहले 1.5 hour इन्होंने ब्रेक किया, दैट मीन्स 1 hour
30 मिनट्स अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो 130 पर ये अपनी इसके पहले वाली राइड से फ्री हुई होंगी, तो इन्होंने इसके पहले वाली राइड ली होगी 12:30 टू 1:30, फिर 1 आवर का ब्रेक, हाफ एन आवर वेट, और यहां पर कौन सी राइड ली होगी इन्होंने, ये राइड ली होगी R1, बिकॉज R3 तो ले नहीं सकते। R1 की कॉस्ट कितनी है, टिकट प्राइस यहाँ पर 20 रुपीज। सारी जानकारी हमारे पास आ चुकी है, क्या अब हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स इन रुपीज बाय बिपाशा, 50 प्लस 20 प्लस 40, 110 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर ऑल द राइड्स दैट अंजलि कंप्लीटेड बाय 2 PM। 2 PM तक इन्होंने R1, R2 और R3 ये तीनों राइड्स कंप्लीट की थी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइड वॉज टेकन बाई ऑल थ्री विजिटर्स। R1 इन्होंने भी ली है, इन्होंने भी ली है और इन्होंने भी ली है, तो एक तो R1 है। R3 सिर्फ इन दोनों ने ली है, R2 सिर्फ इन दोनों ने ली है, R4 इन दोनों ने ली है। दैट मीन्स हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइड वन, फोर्थ ऑप्शन। हाउ मेनी राइड्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल। अंजलि ने तो चारों राइड्स ली है और चित्रा ने दो राइड्स, तो इनका सम होगा 6। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स इन रुपीज बाय अंजलि, 20 प्लस 30, 50 प्लस 50, 100 प्लस 40, 140। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 140।